रात्रि के समय कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर दुकान में रखा लाखों सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद दुकान में लगी आग पर पानी डालकर काबू पाया। साथ ही दमकल पुलिस ने दुकान का मुआयना किया तो पाया रात करीब 12 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं पीड़ित दुकान मालिक ने बताया कि शाहजहांपुर के शहीद पार्क के पास उसकी आजाद हैंडलूम के नाम से दुकान है। बीती रात करीब 12 बजे सूचना मिली कि दुकान में आग लग गई, लेकिन दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू, लेकिन लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। कितना टाइम आग लगी थी? 11:15। कितना नुकसान हो गया? आग पर कैसे काबू पाया गया? फायर ब्रिगेड गाड़ी आई ऐसे। रियान साहब, यहाँ पर एक आग लगी है, क्या है पूरा मामला, कितना इसमें नुकसान हुआ है? हैंडलूम की दुकान है, हमको 4-5 दुकानों में आग लगने की सूचना दी गई थी द्वारा टेलीफोन, किसी ने स्थानीय व्यक्ति ने फ़ोन किया था। तत्काल ही हमने 2 गाड़ियां मूव की घटनास्थल के लिए, और हमारे अग्निशमन अधिकारी भी मौके पे, उन्होंने भी फायर फाइटिंग किया है। और बाकी जो दुकानें लगी हुई थी उनको जलने से बचा लिया गया है। और एक दुकान में काफ़ी नुकसान है, ये जो आज़ाद हैंडलूम के नाम से, बाकी नुकसान का पूरा आकलन हम लोग बाद में करेंगे और आग लगने के कारण की भी बाद में तफ्तीश की जाएगी।